तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास में भी SBI का जो ATM कार्ड है आपके एड्रेस पर डिलीवर हो चुका है, यानी कि आपको जो ATM कार्ड है वो मिल चुका है, तो आज किस वीडियो में को बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आप सभी अपने ATM कार्ड का जो पिन है बिना ATM मशीन पर जाए अपने घर पर ही किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। आज किस वीडियो को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा SBI लॉगिन। तो यहाँ पर मैं SBI लॉगिन टाइप कर देता हूँ। SBI लॉगिन टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर की तरफ एक वेबसाइट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ में लिखा मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में फर्स्ट नंबर पर लिखा मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़र नेम। तो आप सभी को यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप करना होगा और सेकंड नंबर पर दे रखा है पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड भी टाइप कर लेना होगा। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड है उसको टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है एंटर द टेक्स्ट एज शो इन द इमेज। तो आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर उसी कैप्चा को टाइप कर देना होगा। कैप्चा को टाइप करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ में लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। आपको उस OTP को टाइप कर देना होगा। OTP टाइप करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और जो आपका रजिस्टर्ड नेम है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आप सभी को ऊपर की तरफ में 3 लाइन्स देखने के लिए मिल रही हैं, तो आप सभी को यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने को इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ई सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ATM कार्ड सर्विसेज, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ में आना होगा और नीचे की तरफ में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ATM कार्ड एक्टिवेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, नाम, आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है एंटर ATM कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पर अपने ATM कार्ड का नंबर टाइप कर देना होगा। इसी के साथ ही सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है री एंटर ATM कार्ड नंबर। तो आप सभी को यहाँ पर दोबारा से अपने ATM कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने ATM कार्ड के नंबर उसको टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने ATM कार्ड का जो नंबर है उसको टाइप कर लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में कन्फर्म का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा चुका है। तो आपको यहाँ पर उस OTP को टाइप करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने OTP को टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने OTP को टाइप कर लिया। OTP को टाइप करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ में कन्फर्म का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ चुका है ATM कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो ATM कार्ड यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपने ATM का पिन जनरेट करना होगा। तो पिन जनरेट करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में स्टेप्स फॉलो किए थे वही आपको यहाँ पर दोबारा से फॉलो करने होंगे। तो आप सभी को ऊपर की तरफ में 3 लाइन्स देखने के लिए मिल रही होंगी। तो आप सभी को यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर दोबारा से ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दोबारा से ATM सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ATM पिन जनरेशन। तो आप सभी को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं ATM पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो कि है 1 टाइम पासवर्ड और सेकंड नंबर पर दे रखा है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 1 टाइम पासवर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि हमको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मेरे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने OTP को टाइप कर लेता हूँ
OTP को टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने वेबसाइट लोड होकर आ जाएगी। इसी के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ में, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और उस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि मेरे सामने ओपन होकर आ चुकी है। इसी के बाद में आपको यहाँ पर अपने ATM कार्ड को सिलेक्ट करना होगा जो कि आपने अभी एक्टिवेट किया था। तो यहाँ पर मैं अपने ATM कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप सभी के यहाँ पर नीचे की तरफ में आना है और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने दोबारा से जो वेबसाइट है वो लोड होकर आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट डिजिट टू योर डिस्क्राइब्ड पिन। तो आपको यहाँ पर दो डिजिट टाइप कर देनी होंगी जो भी आप यहाँ पिन क्रिएट करना चाहते हो। तो फर्स्ट नंबर की जो आपकी दो डिजिट है पिन क्रिएट करने की आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होंगी। तो यहाँ पर मैं दो डिजिट टाइप कर देता हूँ। दो डिजिट टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसी के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर फोर डिजिट ऑफ न्यू पिन, एंटर फर्स्ट डिजिट क्रिएटेड बाय यू फॉलोड बाय टू डिजिट सेंड टू यू थ्रू SMS। तो आपको यहाँ पर टू डिजिट तो वो टाइप करनी होंगी जो कि आपने अभी टाइप की थी। उसी के बाद में आपको टू डिजिट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गई होंगी जो कि बैंक की तरफ से आई होंगी, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। यानी कि आपका जो पिन है वो फोर डिजिट कंप्लीट हो चुका है, जो कि दो डिजिट तो आपने टाइप की थी और टू डिजिट आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से मिल चुकी है। तो आपको यहाँ पर टू डिजिट तो अपने टाइप करनी होगी जो कि आपने क्रिएट की है, और टू डिजिट आपको यहाँ पर जो बैंक की तरफ से मिली है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोर डिजिट को टाइप कर लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा आ चुका है न्यू ATM पिन नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ATM पिन यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसी पिन को यूज़ करके आप यहाँ पर किसी भी ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ बताना था आप सभी को। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर से कर देना, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर से देना। थैंक यू।